इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ऐसा कोई साफ ही नहीं है जिसके लिए मैंने आवाज ना हो। एक आदमी मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने ये ना कहा हो कि ये ठीक हुआ। मैं आप लोगों के लिए हाजिर हूँ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? हम वोट का हक किसको देंगे, उसका क्राइटेरिया क्या है? मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि इकट्ठे हो जाओ। मैंने जब भी कभी किसी चैनल की नौकरी छोड़ी है अभी पिछले सालों में, तो इसलिए छोड़ी है कि या तो 3,000 लोग बेरोजगार होंगे या मैं अकेला हूँ। एक फोन कॉल पे इस मुल्क में नौकरी चली जाती है। हम कौन लोग हैं, हम क्या करते हैं, किस तरह करते हैं? कोई आदमी अगर जानमाज पे बैठ के आपके लिए एक दुआ करता है, हो सकता है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव हो। रानी साहब, आपका ना क्राइटेरिया बहुत सख्त है, क्योंकि आप खुद एक सख्त आदमी हैं। तो आपको लगता है वो दिल से मेरे साथ नहीं थे? मैं आप लोगों के लिए हाजिर हूँ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? जो फैसिलिटेट आप कहें वो आपके लिए कर सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि कोई हमें सरपरस्त चाहिए, जैसे आप हैं, जो हमें इकट्ठा करें, हमारे छोटे छोटे इश्यूज जो हैं उनको ख़त्म करके हमारा एट द एंड ये प्लान है जो हम समझते हैं कि हमें एक क्लब टाइप की कोई हमें बॉडी, कोई ऐसी बिल्डिंग, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह का कोई सेटअप लाना चाहिए जिसके अंडर हम ओबे करें, उसका एक सिस्टम हो। चूंकि वो एक मुश्किल काम है, एक लंबा काम है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो हमारे साथ जब आप जैसे लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे तो बहुत सारे मसाइल जो है वो हल होना शुरू हो जाएंगे, चीजें इकट्ठी होना शुरू हो जाएंगे। तो आप लोग ना एक 15 रुपनी बॉडी बना दें, ठीक है, और 15 रुपनी बॉडी में सबको एक जैसा स्टेटस दे दें कि ये सब लोग इक्वल हैं फिलहाल, अगले 6 महीने या 2 महीने या 3 महीने के लिए, या एटलीस्ट इलेक्शन के बाद तक के लिए, क्योंकि इलेक्शन में आप सब बहुत बिजी होंगे। वो 15 रुकनी बॉडी पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार कर दे बैठ के, कि हम कौन लोग हैं, हम क्या करते हैं, किस तरह करते हैं, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, हम किन चीजों को फॉलो करेंगे, किन चीजों को अवॉइड करेंगे, हमारे इलेक्शंस कैसे होंगे, हम वोट का हक किसको देंगे, उसका क्राइटेरिया क्या है, कौन हमें ज्वाइन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। पहले एक बॉडी बना ले, वो बॉडी फ्यूचर में जब आप लोगों के पास टाइम हो और आप कर पाए तो वो इलेक्शन करवा ले, बिल्कुल सही, मेंबर्स को लेके उसका एक आप ये जरूर बना लें कि मेंबर कौन बन सकता है, उसका मिनिमम क्राइटेरिया क्या है। जब आपका इलेक्शन हो जाए तो एक पूरी बॉडी बन जाएगी, फिर आप लोग दोबारा बैठ जाएं और बैठ के आप रूल्स इसके बनाएं। और दूसरी आखिरी बात ये इमरान भाई कि आपने बताया कि शुक्रिया अदा किया कि जी हमने मेरे लिए आवाज़ उठाई, एहतजाज किया। देखिए, वो हमारा एक अखलाकी बुनियादी फ़र्ज था। हम ये समझते हैं कि आपके साथ एक ज़्यादती थी, एक नाइंसाफ़ी थी, जिस पे बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म हमारा ये काम बनता है कि हम उस पर आवाज़ उठाएं। ये आपका बड़ापन है, आपका आपकी आला ज़र्फ़ी है कि आपने हमें इन्वाइट किया, शुक्रिया अदा किया। लेकिन लेकिन उसके बावजूद मैं आपको एक बार बड़ी कैटेगोरिकली क्लियर करना चाह रहा हूँ, सारे फेज में, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अपनी दुकानदारी चमका रहे थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो व्यूज की जंग लड़ रहे थे, बहुत सारे लोग ऐसे हमारे सामने खड़े थे जो हमें रेजिस्ट करते थे, बिला मतलब जवाब ऐसी चीजें करते थे। लेकिन हम उस वक्त भी एक बात करते थे कि हम इमरान रियाज खान के साथ इसलिए खड़े हैं कि वो बंदा हक पर है, और अगर उनके अलावा कोई भी बंदा हक पर होगा और आइंदा भी कभी ऐसा होगा, हम फिर भी अपना बुनियादी फर्ज समझते हुए। दूसरी बात, उनका हमारे साथ एक पुराना ताल्लुक है। हम आज साल दो साल पहले या अब जब आपसे सोशल मीडिया में, उस वक्त का ताल्लुक नहीं है, ये उस वक्त का उस ताल्लुक का तकाजा है जो 8-10 साल पुराना है कि आप पर मुश्किल थी और हमने खड़े होना था। इसलिए इस चीज की मैं आपको अब भी तसल्ली देता हूँ, गारंटी देता हूँ, हम हर प्रेशर के बावजूद, हर मुसीबत के बावजूद, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, कल को आप पर या शाकर साहब या नहीं किसी पर भी कोई बुरा वक्त आएगा तो हम इसी तरह खड़े होंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप हक पर हैं, सिर्फ इसलिए कि आपका हमारे साथ ताल्लुक है, ना हमारा व्यूज से कोई ताल्लुक है, ना हमने दुकानदारी चमकानी है, ना हमने इमरान रियाज के साथ तस्वीरें खिंचवा के कैश करवानी है, ना हमने इमरान रियाज के साथ वीडियोज बनवा के लोगों को बेचना है कि जी मेरे बड़े ताल्लुक है इमरान रियाज के साथ। मैंने उस वक्त भी बहुत सारे लोगों का महंगा आपके ताल्लुक आज है, आप आज तस्वीरें भेजते हैं, आप आज वीडियोज भेजते हैं, यूनिवर्सिटी के, हाँ, मैं क्या, हम उस वक्त से हमारा ताल्लुक है, हमारा बड़ापन है, उन्होंने उस वक्त से भी अपनाया, एक्सेप्ट किया, आज भी वो एक्सेप्ट करते हैं, हमारा उस ताल्लुक की बुनियाद पे हम खड़े हैं और आइंदा भी खड़े रहेंगे। हमारा ये व्यूज पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, अगर वो एक दुकानदारी वाली पार्टी से ताल्लुक। अच्छा, नबीर भाई की बात में एडिशन करता हूँ,
कि जिस तरह आपने बात की कि हम एक मुकम्मल एक बॉडी बनाते हैं, सर मैं सरप्रस्ती करता हूँ, आपको शायद याद हो या ध्यान से निकल गया, इस्लामाबाद प्रेस क्लब आप आए थे और रजी ताहिर और फैसल ताहिर के ऑफिस में लेट नाइट हम तो तब भी हमने डिस्कस की थी जो मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि इकट्ठे हो जाओ, हाँ हम करते रहे डिस्कस, और उसके बाद 87 में मिले सदीक जान साहब को मिलने गए थे, तब भी आपने यही बात की थी 15 रुपये कमेटी बना रहे उसके अंदर चीजें डिसाइड कर रहे। अब यहाँ पे मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि नबील भाई हमारे सीनियर, एक तंजीम इनकी मौजूद है, एक तंजीम हमारी मौजूद है, लेकिन आज तक जब नबील भाई ने हमें कॉल किए या हमने नबील भाई को कॉल किया है तो हम इकट्ठे खड़े हुए हैं। आज भी जब ये मीटिंग हुई है आप एक चीज नोट करें कि 3 तंजीमें आई हुई हैं और हमने कहा कि हम टोटल तंजीमें तीन है, तीनों से 5-5 बंदे लेके आप कमेटी बना दें। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ कि हमने फैसला किया कि हम दोनों इकट्ठे मिलेंगे, इकट्ठे बैठ के इकट्ठे बात करेंगे, क्यों हमारा एक वीएन मिलता है, वीएन क्या मिलता है कि हम हमें ये नहीं मैटर करता कि इमरान रियाज खान एक पब्लिक फिगर है तो हमने उनके साथ तस्वीर खिंचवानी है। मेरी कुछ 4 बार नबील भाई की खान साहब के साथ मुलाकातें हो चुकी हुई है बदी आला में और रिजमान पार्क में, तस्वीर खिंचवानी है, हमने तस्वीर सेल आउट करनी है, वीडियो सेल आउट करनी है, हमारा ये है कि हमारे साथ जो लोग स्टैंड करें वो लोग स्टैंड करें कि जिनका कॉन्टेंट ऐसा हो कि जर्नलिस्टिक जितना मैार है उसके पूरा उतरते हो। अभी इस टाइम जितने लोग यहाँ पे खड़े हैं इसमें एक बंदा भी ऐसा नहीं जिसके कॉन्टेंट के ऊपर आप पॉइंट आउट कर सकते हैं या जिसके ऊपर आप बात कर सकते हैं। हमने एक मैार सेट किया हुआ है नबील भाई ने भी और हमने भी, और हम उस मैार पर पूरा उतरना है, इस चीज से हम भी एग्री करते हैं, नबील भाई भी एग्री करते हैं, ठीक है। आपको हम इसलिए कहते हैं कि जब ये सारा मामला आप पे चल रहा था तो जितने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग थे हम प्रेस क्लब में जाके बैठते थे, वो कहते थे यार हम पे मुश्किल होता है, हमारे आसाने मरने वाले उठे हम क्यों आते हैं, फिर ये डिजिटल के हम ही लोग थे कि जिन्होंने उठा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ऐसा कोई साफ ही नहीं है जिसके लिए मैंने आवाज ना उठाई। वो बात अब बाकी इंपॉर्टेंट बात, हम जब तक प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज कर रहे होते थे तो ये कोई इतनी भी जहमत नहीं होती थी कि ये प्रेस क्लब के अंदर से निकल मुझे पता है भाई, मुझे देखे मुझे पता है, सुने मेरी बात का दुरानी साहब दिल बड़ा करें, कोई आदमी अगर जानमाज पे बैठ के आपके लिए दुआ करता है हो सकता है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव हो, सब लोग सारा कुछ नहीं कर सकते और आप सब लोगों से सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लोगों के दिल में क्या है वो तो हम चीर के नहीं देख सकते। एक आदमी मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने ये ना कहा हो कि ये ठीक हुआ, ये कहा हो कि ये ठीक नहीं, सबने कहा गलत है। आप लोग नौकरी नहीं करते, वो लोग नौकरी करते हैं कि अपने बच्चों के लिए खाना ले जाते हैं घर में, एक फोन कॉल पे इस मुल्क में नौकरी चली जाती है, किसी के बच्चे भूखे मरे ये मैं कभी नहीं चाहूंगा। मैंने जब भी कभी किसी चैनल की नौकरी छोड़ी है अभी पिछले सालों में तो इसलिए छोड़ी है कि या तो 3,000 लोग बेरोजगार होंगे या मैं अकेला होऊंगा, तो यार उनकी तो नौकरी लगी रहे। रानी साहब आपका ना क्राइटेरिया बहुत सख्त है क्योंकि आप खुद एक सख्त आदमी हैं। लेकिन हम बिल्कुल इख्तलाफ नहीं था, मेरे लिए काबिले इज्जत है सलाम है अफजल भट्ट साहब, लेकिन बहुत से लोग जानते हैं मैंने उनकी इतनी मेंशन की, मैसेज की मेरे पास बैठे, आपको लगता है वो दिल से मेरे साथ नहीं थे, बस दुरानी साहब वो काफी था मेरे लिए।